नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। युवक का शव लेने के लिए परिजनों की बनी सहमति। पुलिस ने राउंडअप किए, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने परिजनों को सौंपा मृतक युवक का शव। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से, मेतेवाले की बड़ी खबर। चूनाबड़ थाना के अंतर्गत गांव नेतेवाला में युवक की हत्या के दो आरोपियों को की गिरफ्तारी होने पर परिजन शव लेने पर हुए राजी। पुलिस ने सौंपा शव। रात को प्रेम कुमार की गला दबाकर की गई थी हत्या को लेकर प्रेम कुमार व सुनील कुमार को किया गया था आज कोर्ट में पेश। चूनाबड़ थाना अंतर्गत गांव नेतेवाले में युवक प्रेम कुमार उम्र 30 साल की कुछ लोगों ने हत्या कर दी, जिसका शव श्री गंगानगर जिला अस्पताल की मोचरी में रखवाया गया और रविवार को शव का मेडिकल मुआयना करवाया गया, लेकिन मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। उनका कहना था कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वे शव नहीं लेंगे। चूनाबड़ थाना प्रभारी तेजवंत सिंह ने बताया कि शव को परिजनों ने लेने से इनकार किया और इस मामले में कालूराम मेघवाल व सुनील 4-5 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। पूछताछ के लिए कालूराम व सुनील को राउंडअप किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि शनिवार देर रात गांव नेतेवाला में हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। शनिवार देर रात विवाद के बाद प्रेम कुमार का गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक से मारपीट की। युवक को छुड़ाने आए उसके भाई से भी आरोपियों ने मारपीट की। जब तक लोगों ने के आने से आरोपियों ने गला दबाकर हत्या कर फरार हो गए। चूनाबड़ पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोचरी में रखवाया गया और मृतक के परिजन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि जब तक सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तब तक वे शव नहीं लेंगे। चूनाबड़ थाना में दिन भर उच्च अधिकारी कर्णपुर, एडिशनल SP सुरेंद्र राठौर व श्री गंगानगर से भवनलाल मेघवाल, मटिली थाना के SHO राकेश कुमार सहित पुलिस लाइन से एक बस में पुलिस के जवानों को लाकर थाने में तैनात किया गया। मंगलवार को युवक का शव लेने के लिए परिजनों से बनी सहमति से पुलिस ने राउंडअप किए, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को चूनाबड़ अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने परिजनों को सौंपा मृतक युवक का शव। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने शव लेने से किया था इनकार। चूनाबड़ पुलिस कर रही है अन्य आरोपियों की तलाश। आरोपियों को पुलिस मंगलवार को कोर्ट में करेगी पेश। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, महेंद्र परवाना, चूनाबड़।